हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते, उनको हम किस तरह से सॉफ्ट फूड खाने का आदि कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसे पेयर थे, मैंने कुछ ऐसे तरीकों को इस्तेमाल किया, तो अब मेरे वो बर्ड्स भी सॉफ्ट फूड बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने का आदि कर सकते हैं। जो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सॉफ्ट फूड के अंदर काफ़ी गज़ाइत पाई जाती है, जिससे आपके बर्ड्स की सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है, उनके कलर भी काफ़ी अच्छे चमकदार और उजले उजले नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर जब उन बर्ड्स के साथ चिक्स होते हैं, तो जब वो अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड फीड करवाते हैं, तो एक उनका पेट जल्दी भर जाता है और दूसरा उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ब्रीड ना करने वाले जोड़ों के लिए ये ब्रीडिंग फार्मूले का भी काम करता है। दूसरी तरफ जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते, वो कमज़ोर रह जाते हैं और उनकी ब्रीडिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो तीन तरीके आपसे शेयर करूंगा, तो अगर आप उन सब को फॉलो करते हैं, तो आपके पास चाहे कोई भी बर्ड्स हो, चाहे बजीज हो, कॉकटेल, लव बर्ड्स या फिंचज हों, किसी भी बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, आप उनको आसानी के साथ सॉफ्ट फूड का आदि कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला तरीका है, वो उन बर्ड्स के लिए है जिनके साथ चिक्स नहीं हैं। तो आपने करना ये है कि आपने केज से सीड मिक्स वाला बर्तन रात को निकाल देना है और सुबह के वक्त आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करनी है। इस तरह आपका बर्ड जो पूरी रात का भूखा होगा, वो पहले पहले कुछ नखरों से आहिस्ता आहिस्ता खाएगा, मगर बाद में आदि हो जाएगा। दोस्तों, ये तरीका आपने उन पेयर के साथ करना है जिसके बच्चे ना हों। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहले दिन ही सारी सॉफ्ट फूड खा लें, पहले दिन सिर्फ इसको चखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको खाना शुरू कर देंगे। अगर आप हर रोज़ इस तरह करेंगे, तो बर्ड्स को समझ आ जाएगी कि ये इनके खाने की चीज़ है, तो फिर बर्ड्स इसको खाना शुरू कर देगा। लेकिन इस दौरान आपने थोड़ी मिकदार में सॉफ्ट फूड खाने के लिए देनी है, ताकि सॉफ्ट फूड ज़ाया भी ना हो और आपका बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता इसको खाने की तरफ आ जाए। और सॉफ्ट फूड को आपने कुछ ही घंटों के लिए रखना है। अगर आप इसको सारा दिन केज में पड़ी रहने देंगे, तो इसमें फंगस पैदा होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो सॉफ्ट फूड में पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे इनके अंदर बैक्टीरिया के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उतनी ही सॉफ्ट फूड खाने को दें, जो आपका बर्ड चंद ही मिनटों में खा ले। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इन बर्ड्स के लिए जो ना ब्रीड कर रहे हों और ना ही उनके साथ बच्चे हों। आपने उन बर्ड्स को पकड़कर उन बर्ड्स के साथ छोड़ देना है जो ऑलरेडी सॉफ्ट फूड खाते हैं, क्योंकि बर्ड्स की ये आदत होती है कि जो दूसरे बर्ड्स कर रहे हों, वो बाकी भी करते हैं। इस तरह जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड के आदि होंगे, वो सॉफ्ट फूड खाएँगे, तो दूसरे बर्ड्स भी उनको देखेंगे और उनके साथ साथ सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर देंगे। इसके भी चांस हैं कि आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड की तरफ आ जाएंगे। याद रहे, ये तरीका आपने उन बर्ड्स के साथ करना है जो बर्ड्स ब्रीड पर नहीं हैं। आपने ये तरीका बर्ड्स की ऑफ ब्रीडिंग सीज़न में करना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, जिसके बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी बर्ड्स, चाहे जितना भी ज़िद्दी हो, इस तरीके से वो सॉफ्ट फूड खाने का आदि हो जाएगा और बाद में वो काफ़ी शौक से इसे खाएगा।
जिससे आपके बर्ड्स को काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। इस तरीके में भी आपने अपने बर्ड्स के केज में से दाने वाला बर्तन निकाल देना है और सुबह के वक्त आपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने के लिए देना है और इस सॉफ्ट फूड के ऊपर आपने वो दाना थोड़ा सा छिड़क देना है। आपने सॉफ्ट फूड के ऊपर बस इतना के दाना डालना है जिससे आपके बर्ड्स की भूख ना मिटे, सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये नज़र आए कि ये हमारे खाने की चीज़ है, क्योंकि इस तरह जब आपका बर्ड दाने को खाने के लिए आएगा तो साथ में जो भी सॉफ्ट फूड आप उन्हें देंगे वो पहले हल्का हल्का उसको भी खाएगा। इस तरह उसको ये महसूस होगा कि ये भी खाने की चीज़ है, मुझे इसके खाने से कोई भी ख़तरा नहीं है। ये तरीका आपने 8 से 10 दिन के लिए आज़माना है। इस तरह आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर देंगे। शुरू शुरू में आपने ऐसी कोई भी सॉफ्ट फूड खाने को नहीं देनी जो कि आपका बर्ड्स इसे आसानी से चोंच से तोड़ ना सकता हो। यानी कि शुरू में आपने अपने बजीज को उबले हुए काले चने या मकई नहीं देनी। स्टार्ट में आप इनको उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम और मिक्स दालें वगैरह दे सकते हैं और साथ में आपने इनको मेथी, पालक और लूसन भी लाजमी देना है। ये बर्ड्स की काफ़ी पसंदीदा खुराक होती हैं। जब आपका बर्ड एक मर्तबा इसको चोंच लगाएगा तो उसको अच्छा जायका महसूस होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको खाना शुरू कर देंगे। यहाँ ये बात हो गई कि आप किस तरह से अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड खाने का आदि बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बिला झिझक पूछें, इजी होते ही आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।